हाय फ्रेंड्स, मैं अम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, इंडिया में किस तरह से इसके कलेक्शंस हुए हैं 3 दिनों के, वो मैं आपको बताऊंगा। और हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु इन 4 वर्जन में ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी और अब तक हाउसफुल जा रही है। पहले दिन इस फिल्म ने एक अच्छी खासी कमाई करते हुए 23 करोड़ तक का कलेक्शन किया था इंडिया में। उसके बाद दूसरे दिन का कलेक्शन भी बढ़िया था और लगभग दूसरे दिन भी 100 करोड़ के ऊपर ही कमाई की थी। तो जो कलेक्शंस हुआ था 2 दिन का, वो मालूम चल रहा था हमें कुछ 220 करोड़ के आसपास या 20 से 24 करोड़ के आसपास। अब तीसरे दिन का कलेक्शन आ गया है और इस कलेक्शन का जो टोटल दिया गया है हर एक साइड पे आप देखोगे तो 300 करोड़ दिया गया है। यानी कि फिल्म ने 2 दिन में अगर 224 करोड़ कमाए थे इन सभी वर्जन में, इसका मतलब है फिल्म ने तीसरे दिन में 76 करोड़ कमाए हैं, यानी कि 76 करोड़। और इन तीनों दिनों के कलेक्शन मिलने के बाद जो टोटल हुआ है वो हुआ है 300 करोड़। जी हाँ, फिल्म ने 3 दिन में 300 करोड़ कमाई है, अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कलेक्शन है किसी भी हिंदी मूवी का। और अगर हम बात करें तो इन 300 करोड़ में 128 करोड़ हिंदी के कलेक्शन का है, हिंदी वर्जन कलेक्शन का है। यानी कि बाकी जो 170 करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन आया है वो सब साउथ स्टेट्स के कलेक्शंस हैं, और जो कि बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है। और 6500 स्क्रीन्स पर जब फिल्म रिलीज हुई थी तो किसी को इतना उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कलेक्शन होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन अभी तक देखा जा रहा है। देखते किस तरह से आने वाले दिन में कलेक्शन करती है, जिस हिसाब से जा रही है ऐसा लग रहा है कि पीके और दंगल और सुल्तान, बजरंगी भाई, इन सभी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी 1 हफ्ते के अंदर ही। और कुछ और बॉलीवुड में बड़ी खबर अच्छी लगी तो आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है किस तरह से ये जा रही है और कब तक इन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी बॉलीवुड फिल्मों का, आप जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।